भारत की जनवादी नौजवान सभा व SFI पिछले लंबे समय से राजधानी शिमला के समर हिल में भगत सिंह की प्रतिमा लगाने और समर हिल चौक का नाम भगत सिंह चौक रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अपनी इसी मांग को लेकर सोमवार को एक बार फिर से DYFI और SFI का एक प्रतिनिधि मंडल महापौर सत्या कौंडल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। देखिए, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI और SFI की ओर से आज महापौर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से जो हम लोगों ने एक मांग जो है, लगातार हम इस महापौर को जो है इन मांगों को लेकर मिलते रहे हैं और मांग कर रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से कि जो समर हिल का चौक है उस चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति को जल्द से जल्द लगाया जाए। लेकिन इस जो नगर निगम शिमला का है ये बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है पुरानी MC ने इसे अप्रूवल दिया था, लेकिन यहां पर इनका यह साफ कहना है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमने ये उपायुक्त को इसको लेकर जो है फॉरवर्ड कर दिया है और ये सारा कार्य जो है उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है पुरानी MC की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जो MC है इसके वहां पर समर हिल के अंदर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगनी थी, उस समर हिल चौक को जो है शहीद भगत सिंह का दर्जा दिया जाना था, लेकिन आज तक जो है ये नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो आवारा पशुओं की समस्या है, समर हिल के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थित है, उस विश्वविद्यालय के अंदर गाय, बैल, कुत्ते जो है, बंदर लगातार घूमते रहते हैं और आए दिन लोगों जो है को शिकार बनाते आ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम मिले हैं। आश्वासन यहां पर जरूर दिया गया है महापौर की ओर से कि जो आवारा पशु है उनके लिए स्थान जो है वो चयनित कर दिया गया है सुन्नी के अंदर, और जितने भी आवारा पशु शहर के अंदर घूम रहे हैं उन आवारा पशुओं के लिए जो है उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, उन्हें वहां पर भेजा जाएगा। और लेकिन आज हमने यहां पर ये बात भी कही है कि अगर ये मांगे हमारी नहीं होती तो आगामी दिनों में अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और SFI और DYFI साथ मिलकर आने वाले समय के अंदर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।